वेलकम बैक टू वर एंड आवर मॉम्स चैनल। हेलो पेरेंट्स, आज का टॉपिक है बच्चों का विंटर में कैसे टेक केयर करें। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों के बॉडी को गर्म रखना है। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बच्चे को मसाज करके, ऑयल मसाज करके। ऑयल मसाज के लिए आप या तो आलमंड ऑयल या तो सरसों ऑयल, दोनों ही यूज कर सकते हैं। सरसों ऑयल में आप या तो प्लेन सरसों ऑयल या तो आप उसमें लहसुन और अजवाइन का पका करके भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चे की बॉडी को और हीट मिलेगा। बच्चे को सुबह और शाम तो मसाज कीजिए ही, रात में भी मसाज करके अगर सुलाएंगे तो बच्चे को बहुत ही रिलैक्स लगेगा। बच्चे के चेस्ट पे, नेल्स पे, लेग्स पे अगर रात में आप रब करके मसाज करते हैं ऑयल का, तो बच्चे को बहुत ही रिलैक्स होता है। अगर उसको बाय एनी चांस कोल्ड है तो उसको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट इज, बच्चे की बॉडी को हम और कैसे गर्म रख सकते हैं। आपको विंटर में बच्चों को लेयर्ड क्लोथ्स पहनाने चाहिए, जैसे कि एक इनर पहना दिया, एक फिर पतला स्वेटशर्ट पहना दिया, फिर उसके ऊपर से स्वेटर पहना दिया। तो इस तरीके से आपको लेयर बाय लेयर बच्चे को कवर करना होगा, ताकि उसके चेस्ट और हैंड्स में और लेग्स में सर्दी ना लग सके। सॉक्स, शूज़, अगर वो शूज़ नहीं भी पहनते हैं तो एटलीस्ट वो वुलन सॉक्स पहन के रखें, ताकि उनके वॉक करते समय भी उनके पैर से उनकी बॉडी में सर्दी ना घुसे। नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चे को हाइजीनिक रखना है, क्लीन रखना है, तो बच्चे को ज़रूर नहलाएं। एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाएं या डेली नहलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये प्रिकॉशन रखना है कि मसाज के बाद अगर आप उसको नहला रहे हैं तो बॉडी ऑलरेडी हीटअप है, तो आप उसको एक वार्म वाटर से नहलाएं, ताकि उसको बाद में कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर की वजह से उसकी तबीयत ना खराब हो। अगर आप बच्चे को नहलाने जा रहे हैं तो आप दो तरीके से बच्चे के बॉडी को गर्म रख सकते हैं। पहला तो आप गर्म पानी के स्टीमर से पूरे बाथरूम को स्टीम कर दीजिए, ताकि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर जैसा वार्म है वैसा ही बाथरूम भी वार्म रहेगा, तो उसको नहाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंडली, आप जल्दी से उसको वार्म वाटर से नहला करके अच्छे से टावल में रैप करके वापस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेकर आ जाएं। सर्दियों में बच्चों की स्किन बहुत ही ड्राई होने लगती है, तो दो तरीके के मॉइस्चराइज़र या आप कह सकते हैं क्रीम आते हैं जो आपको यूज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र का यूज़ कम करके मैं क्रीम का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। मॉइस्चराइज़र क्या होता है, यूजुअली वो वाटर बेस्ड होता है, जो समर में ज़्यादा ही फिजिबल रहता है यूज़ करना। विंटर के लिए अगर आप कोई ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र या क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो वो बच्चे की बॉडी को मॉइस्चराइज रखता है। तो आप या तो क्रीम या तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। मैं वारन्या के लिए हिमालय बेबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ, वो बहुत ही फ़ायदा करता है वारन्या की ड्राई स्किन के लिए। और ड्राई स्किन से बचाने के लिए बच्चे को लेस एक्सपोजर ऑफ वाटर होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। विंटर में बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप घर पर ही बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप बच्चों के खाने में अदरक, लहसुन और अजवाइन, इन सब का इंटेक बढ़ा दें तो बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। हल्दी का इंटेक बढ़ा दें, हल्दी दूध दें, हल्दी सब्ज़ी में अच्छे से डाल करके खिलाएं, तो उससे भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस वेजिटेबल्स तो मिलते ही हैं मार्केट में विंटर्स में ऑल ओवर, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, कीवी हो गया। एंड ऑल्सो बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दें, ड्राई फ्रूट्स भी बॉडी को गर्म करते हैं, बॉडी में हीट लाते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, पेस्ट फॉर्म में भी खिला सकते हैं, और अगर बच्चे ऐसे ही खा सकते हैं तो वेल एंड गुड। सर्दियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे मेथी हो गया, पालक हो गया, ये सब आप बच्चों को ज़रूर खिलाएं, उनका सूप पिलाएं, अगर बच्चे ऐसे नहीं खा रहे हैं तो सूप बना करके पिलाएं। रूट वेजिटेबल्स जैसे गाजर हो गया, गाजर का हलवा किस बच्चे को नहीं पसंद आता है, तो गाजर का हलवा बना के खिलाएं, गाजर खिलाएं, सैलेड में दें, मूली खिलाएं। ये सारे जो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने वाले वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मसाले हैं, ये बच्चों को बहुत ही फ़ायदा करते हैं सर्दियों में। तो इसका इनटेक आप बहुत ही रेगुलर बेसिस पे पूरी सर्दी कीजिए, तो बच्चे बीमारी नहीं पड़ेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, दैट इज़ गुड़। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो गुड़ बच्चों के लंग्स, चेस्ट में जो कंजेशन होता है उसको हटाने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो बच्चे को रात में सोने से पहले या कभी भी एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खिलाएंगे तो बच्चों
के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को आप हनी जरूर पिलाइए। तो आज का वीडियो यही एंड होता है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Oh, 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 oh